नमस्कार, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा दसवीं विषय समाज विज्ञान के में के उप विषय इतिहास के बारे में। अध्याय इसका है 9, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में जो है पढ़ा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण है दांडी यात्रा, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक अंग मात्र था, उसका ही उसी आंदोलन का एक हिस्सा था। गांधी जी का आमरण अनशन, यानी कि इसको आपको पूना पैक्ट यानी पूना जो है समझौता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि निर्णायक आंदोलन था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि विनयपूर्वक जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून और उनके नियमों को तोड़ना, जानबूझकर उनका उल्लंघन करना, ये इसी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है एक अंग था। उसमें एक जो है घटना जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण भी है, इसमें आपका क्या है दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा क्या है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम, जो कि उनका अहमदाबाद जो है उसमें था, कि लगभग उससे 200 मील दूर समुद्र के किनारे जो है दांडी नामक जो स्थान था, जहाँ पर जो है नमक का जो है वहाँ पर उत्पादन जो है होता था, तो उस स्थान तक जाकर जो है वो वहाँ तक उन्होंने यात्रा की पैदल, उनके साथियों के साथ में गए। 5 अप्रैल को दांडी यात्रा वहाँ पर पहुँची। 6 अप्रैल को गांधी जी ने उनके साथियों के साथ जो है नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन का जो है प्रारंभ किया था। तो ये जो घटना है एक महत्वपूर्ण जो है घटना है। इसके साथ साथ जो है नमक कानून तोड़ते ही देश भर के में ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा की गई। अनेक स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया। मध्य प्रदेश में जंगल कानून की हुई अवज्ञा हुई। मुंबई, कलकत्ता, अनेक स्थानों पर जो है हड़तालें हुई। परिषद के अनेक सदस्यों ने अपने पद और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दिया। स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने दिए गए। गुजरात में धरसाना के नमक कारखाने के ढाबे में 2500 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध स्वयंसेवकों ने आंदोलन का सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस प्रकार से कई जो है आंदोलन है वह अब देश में चरम सीमा पर थे। इस बीच लंदन में 1930 में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो कि एक बड़ा ही प्रसिद्ध था। सम्मेलन में यह बात साफ हो गई थी कि भारतीय समस्या के हल के लिए कांग्रेस का सहयोग आवश्यक है। मतलब क्या है, लंदन में जो 1930 में एक जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो ब्रिटिश जो काउंसिल थी उन्होंने प्रस्ताव पारित करके एक बात जो है सर्वसम्मति से उन्होंने स्वीकार की कि अगर हमें अब भारत पर नियंत्रण रखना है तो हमें कांग्रेस का जो है सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना उनके सहयोग के जो है हम अब वहाँ पर शासन करना ज़्यादा संभव नहीं है। तो इन्हीं स्थितियों को देखते हुए गांधी जी ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से जो है रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद गांधी जी की वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी जो है और इरविन समझौता जो है वो अस्तित्व में आया, जो कि महत्वपूर्ण समझौता था। तो इस समझौते के अंतर्गत सरकार ने ऐसे सभी जो कैदी जो कि राजनीतिक बंदी थे या जिनको किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन हड़ताल सत्याग्रह के समय उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको सबको जो है बिना शर्त के रिहा कर दिया गया। नमक और शांतिपूर्ण जो है नमक बनाने और शांतिपूर्ण तरीके से शराब की दुकानों के बाहर धरना देने की भी अनुमति उनको अब जो है गांधी इरविन समझौते के तहत जो है मिल चुकी थी। अब एक दूसरी घटना आती है कि गांधी जी का आमरण अनशन और पूना समझौता, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी ओर जब ब्रिटिश सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, गांधी जी को भी रिहा कर दिया गया, उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने इन तमाम आंदोलनों को दमन के लिए जो है अपनी नीति जारी रखी। और उन्होंने वही नीति थी पुरानी, जो उनकी फूट डालो और शासन करो की जो है नीति अपनाते हुए दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रलोभन देकर हिंदुओं में फूट डालने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव दिया कि जो जब भी अब चुनाव होंगे तो जो दलित वर्ग है उनके लिए कुछ जगह कुछ सीटों को आरक्षित करने का जो है प्रावधान था। यह जो प्रावधान उन्होंने हिंदुओं के बीच में आपसी भेद को और बढ़ाने के उद्देश्य से किया था।
इसके बाद जो कि गांधी जी ने जो है इसका फिर बाद में काफ़ी विरोध किया। इसके बावजूद 1932 अगस्त के माह में सरकार ने मैक डोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय की इसकी घोषणा की। इसके अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन तथा स्थानों की घोषणा की गई। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए सांप्रदायिक निर्णय को रद्द करने की मांग की और इसे न माने जाने पर उन्होंने आमरण अनशन जो है प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के आमरण अनशन से पूरा देश चिंता में डूब गया। ऐसे नाजुक मौके पर सवर्ण तथा दलित हिंदुओं ने सर्वसम्मत हल निकालने के लिए पूना में एक समझौता किया। यह समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। सरकार ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया था। गांधी जी ने आमरण अनशन को समाप्त कर दिया और 2 मई 1933 को सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया। 1935 में सरकार ने भारत शासन अधिनियम लागू किया। इसके अनुसार केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई तथा प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया गया। इस अधिनियम को भारतीय राजनीतिक दलों ने बड़ी आलोचना की। उसका कारण यह था कि इसमें पूर्ण स्वाधीनता के विषय में कुछ भी नहीं रह गया था। मतलब क्या है, अंग्रेजों ने जो भारत जो है जो शासन जो उन्होंने लाया तो उसमें शासन की उन्होंने कहा कि राज्य जो स्टेट जो थे उनको पूर्ण सरकार जो है और केंद्र में जो है वो एक सरकार जो आज का भी जो मॉडल है वो लागू किया। लेकिन इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता देने की कोई बात नहीं की गई थी। अंग्रेजों का अभी भी जो है इसमें दखल जारी था। 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के पालन में फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान परिषदों के लिए चुनाव हुए। प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का जो है निर्माण किया। तो इस प्रकार से ये गांधी जी का आमरण अनशन था पूना समझौता में, जो कि बाद में चुनाव की शर्तों के साथ ही जो है समाप्त हो गया था। सरकार ने इनको रिहा भी कर दिया था। आज जो है आज का हमारा जो अंतिम बिंदु है आज के इस वीडियो का वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसके बारे में बात करेंगे कि 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह जन आंदोलन था। इसमें लोग चाहे वो किसी वर्ग के हों, जन समुदाय चाहे वो किसान हों, व्यापारी हों, मजदूर हों या राजनीतिक लोग हों, सभी लोग इसमें जो है शामिल थे और स्वेच्छाएँ शामिल थे। किसी का कोई विशेष आह्वान नहीं था। यह एक ऐसा स्वप्रेरित यानी अंतः प्रेरित या स्वेच्छामूलक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए प्रेरणा की फलस्वरूप ही हुआ था। इस आंदोलन के आरंभ होने के मूल में अनेक जो है कारण विद्यमान थे। भारत द्वितीय विश्वयुद्ध में भागीदार बनने का इच्छुक नहीं था, परंतु यह युद्ध में उसे उसकी सहमति के बिना ही सम्मिलित किया गया। युद्ध का साया पड़ने के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई। खाद्य स्थिति क्रमशः बिगड़ती जा रही थी। निर्वाह व्यय 3 गुना बढ़ गया था। मुनाफाखोरी और शोषण जो है अनवरत जारी था। इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने एक असहयोगात्मक आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निश्चय किया। 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में बहुमत से पारित हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आप को स्वाधीन मनुष्य समझे। उसे स्वाधीनता की यथार्थ पूर्ण प्राप्ति अथवा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने के लिए तत्पर होना चाहिए। इस प्रकार से इन 3 बिंदुओं पर आज हमने बात की। इस जो अध्याय है आपका, इसके जो आपके आगे के जो आपके बिंदु हैं उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने इनका नोट्स बनाओ। किसी प्रकार की समस्या आने पर आप विद्यालय आकर संपर्क भी कर सकते हैं।